तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं छुपके छुपके के एपिसोड 4 के पार्ट 3 के ऊपर, ठीक है। आज इस वीडियो में हम एपिसोड 4 कवर कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। हर एक वीडियो में ये वर्ड ना कंपलसरी हो गया है आजकल, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं आजकल, जितने भी वीडियोस कर रहे हैं, सभी की स्टोरी ना ऐसे पीक पर आ गई है कि क्या होने वाला है, ठीक है। इसमें वो चोरी हो गई थी जितना मुझे याद आ रहा है, और वो जिसने चोरी की थी वो जो गेटअप लेकर आई थी एक साधु का, ठीक है, वो निकल गई थी घर से। अब आज देखना है कि उसे पकड़ पाएंगे और दूसरे घर की दादी का क्या रिएक्शन होगा उस पर। उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिलहाल आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है और अगली वीडियो आप किस चीज़ के ऊपर देखना चाहोगे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। रेगुलरली सुबह सुबह नई वीडियोज़ देखने के लिए आप सभी लोगों को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एक बात, हमारा एक सेकंड चैनल भी है जिसमें हम सॉन्ग्स पे रिएक्शन और रिव्यू वीडियो लेकर आते हैं आप सभी लोगों के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर चेकआउट करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल एपिसोड 4 पे चलते हैं, उसे देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे क्यों घूर रही है मुझे? बता कि वो तेरी छोटी की दादी घर में क्या हो रहा है ना? क्या पता, हाँ वो शायद फाजी की रिश्ते के लिए कोई आई हुई है फैमिली। हाय हाय, तो फकीरों और बलंगों से रिश्ता करेगी? ये बक्सो पागल हो गई है। नहीं, क्या कहती रहती बेबे आप, मुझे कुछ समझ नहीं आती आपकी। भाई हमारी बातों की अब तुझे कहाँ समझ आएगी? तू अब तो अंग्रेजियां समझ आएंगी ना हमारी, बोली कौन समझता है भाई। शर्मा रहा है, जाके ना मीनू को बोलो जबरदस्ती चाय भेजे मेरे लिए। क्या हो रहा होगा भला, पता नहीं क्या हो रहा होगा। ऐसा करती हूँ फेसबुक पे देखती हूँ, इसने भक्तों ने कोई ना कोई शोध बना जरूर मारा होगा फेसबुक पे। हाँ, शुभ अंतर के जाने से तो मेरा सारा सर ही हल्का हो गया। हाँ, वो तो हो गई, नजर का असर जो खत्म हो गया है। मैं तो कह रही हूँ बड़ी नेक खातून लग रही थी। अल्लाह करे मिशी और फाजी दोनों का रिश्ता किसी अच्छी जगह हो जाए, ताकि हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो। आमीन। ये रूस में जाने से क्यों मना करके गई हैं? अब बताया तो है वहाँ मुअक्कल सफाई, मेरा मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। बस एक बात बता मिशी, तेरी नजर के साथ साथ तेरा दिमाग भी क्या खराब हो गया है? तमीज से, छोटी बहन है तेरी। सिर्फ मिशी समझदार है यार, उसने पहले ही कहा था। इसका मतलब मैं समझ गया हूँ। रूमी अरमान को फोन कर, मैसेज कर करके मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मैं तो कह रही हूँ ब्लॉक लिस्ट में डाले अभी इस वक्त मेरे सामने से। लो जी, एक का घर नहीं बस रहा और दूसरा बसा बसाया उजाड़ेगी, देख लीजिएगा अम्मा। गोल में कुछ जीवन दे राखी अम्मा। आपने मेरी नजर का तावीज क्यों नहीं लिया उनसे? कम से कम इस चश्मे से तो जान छूटती मेरी। मिशी, जितना तू अपना चश्मा साफ करती है ना, उतना अपना मुंह भी साफ कर लिया करे तो दूर से लाइटें मारने लगे। क्यों पीछे पड़ी रहती हो इसके तुम? अम्मा इन नखरों से घर नहीं बसते, ससुराल भी तो जाना है कल को। खुद का बसा लिया यार, खुद का पति नौकर, बिल्कुल मिस्कीन भाई जैसा ना। अस्तगफिरुल्लाह, चुप करो तुम। गुल फोन मिलाओ फरकी को और पता करो कब आएंगे ये लड़की वाले। मिलाती हूँ मिलाती हूँ। उनके सामने ही ड्रामा होगा सारा। रूमी, ए फॉर एप्पल। सेब मांग रहा है। फोन पे बात करेगी तो सुनेगी। ये हर एक चीज गिरा देती है यार, कैसे? अरे अरे यार, तू मेरे बेटे को बुला लेगी? अरे यार, क्या बेबे साफ तो है फर्श? है साफ है फर्श, मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? अच्छा पुत्र साफ है ना, तू मेरा बच्चा, चट ले इसको। बेबे अपने वाले क्यों मरे हुए डड्डू की तरह शक्ल बना लेती है तू? शर्मो यादा काटा, चल नवी पत्ती काट और नया दूध ले और चाय बना के दे मेरे बच्चे को। कहाँ से लाऊं नई पत्ती? नहीं है तभी तो ये उठा के डाल रही थी। तो अगर किफायत नहीं है देख लिया ना। नहीं भाई नहीं, मैं मानी जाऊंगी, कल रात उनको दौरा पड़ा था, वो देखते ही मुझ पे चिपट जाएंगी। तौबा भाई तौबा, बहाने बनाने का। अगर किफायत नहीं देख लिया तो जीते जी मर जाएगा बेचारा। परसों वो भी हमसे पूरे 5 चमची लेके गए पति के, जा ले क्या।
मुसीबत है बेबे, मांग मांगे ना मेरी शक्ल फकीनियों जैसी हो गई है। चल जा। ए, सुन 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 इधर। हाँ। बातें सुन लो आप। आई रही है ना, तो वो चश्माटो है ना उससे जरा पूछ के आई कि ये कुंगरों वाली सरकार कौन है, क्यों आती है, क्या चक्कर है? साफ साफ कहे ना कि कल दोपहर से आपके पेट में दर्द हो रहा है, जब भी बहाने से मुझे वहाँ भेज रही है। गंदी औलाद ना, मजा ना स्वाद। चल जा वरना जूती लावांगी। हमसायों की मूवी का डायलॉग है ना ये? हमसायों की मूवी, हमसायों की मुझे फकीर बनाया हुआ है। कभी ये दे दो, कभी ये दे दो, कभी ये मांगने चली जाओ, कभी ये मांगने चली जाओ, कुछ मुझे लगता है इसके सामने ही पता चलेगा चोरी का। तुम्हारी जगह इसके डायलॉग यार अपना दिमाग पे चढ़ रहे हैं। मुझे वहां भेजती है पति मांगने के लिए। सुतरी सुतरी रिश्ते वाली पार्टी आई है, बाहर बहुत लश गाड़ी खड़ी है। सच? बस दुआ करो कि इस बार उस्ताद जी का रिश्ता हो ही जाए। बोलो आमीन। आमीन। इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे अभी आधा घंटा पहले ही तो बताया था अपन ने गेस्ट का, फौरन निकल आया ऑफिस से। भाई सुनिए, भाई भाई कमरे में नहीं जाना। बाजी भैया आप अपने रूम में नहीं जा सकते। क्यों, कमरे में कोई भूत है क्या? अरे गुलाबा, बाजी भैया अपने रूम में जा रही हैं। मसला क्या है आपा? वो गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, चलो। अरे चेंज तो कर लूं। बहुत अच्छे लग रहे हो बाजी। तुम क्या आके फाड़ कर देख रही हो? चलो नाइन का टेबल सुनाओ। अरे यार सबके सामने नहीं, जासूसी करने? नहीं नहीं, वो तो उन्होंने पत्ती लेने भेजा है मुझे। अच्छा दो इसको पत्ती और तुम मेरे साथ ड्राइंग रूम में चलो। अब मुंह तो धो लूं पहले। अरे शेर का भी मुंह धोता है? बच्चों को खुश करने के तरीके शेर का भी मुंह धोता है। तुमने बताया था हादी के रिश्ते के बारे में जो हम बताएं? अरे वो तो अम्मी और ताई ने सब कुछ। अरे यार इसका हादी वाला दुख। बात ऐसी करो जिस पर यकीन आ जाए, वरना बड़ी चाची और छोटी चाची का घर जोड़ तो पूरे खानदान में मशहूर है। अल्लाह का पक्का वादा, झूठ नहीं बोल रही मैं। क्या हादी खुश है इस रिश्ते से? हाँ हाँ बहुत। चलो ना पत्ती तो दो मुझे। आप कम गो हैं या मेरे से बात करना पसंद नहीं आ? रात को भी मैं मैसेज का रिप्लाई का वेट करता रहा लेकिन आए। इसका रिश्ता टूटेगा जैसे मुझे लग रहा है। सो गई थी। खैर मुझे ये बताएं कि और क्या पसंद है आपको मेरे अलावा। हेलो होगा होगा इनका तो ऐसे कैसे कुछ होगा। बढ़ेगी हमारी। मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। क्या है? अम्मी और ताई अम्मी बुला रही हैं आपको। आ रहा हूँ। मिर्ची खुदा के लिए किफायत को हर जोड़े की कीमत आधी से आधी बताना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कहना कि एक जोड़े के साथ एक मुफ्त आया। खुदा का खौफ करे चाची, इतना बड़ा झूठ। अच्छा ना तुम अपने सच का झंडा अपने पास रखो। तो ठीक है ना, तुम्हारे चाचा ने अपनी शेरवानी संभाल के रखी है तुम्हारे लिए, वो पहन लेना। मैं क्यों पहनूंगा वो सारे कदीमा की शेरवानी? मैंने नहीं पहनी। अच्छा ये बताओ सारे कदीमा गेट के पर गाड़ी किसकी खड़ी हुई है? मुझे क्या पता अम्मी। खैर पता हो तुम्हें सब कुछ होता है, बताते नहीं हो फाजी की बातें हमें। मीनू पत्ती मांगने गई है वो छोटी दादी की तरफ। क्यों, किचन में आधा डब्बा रखा तो हुआ है? पूरा का पूरा डब्बा गिरा दिया फर्श पर। हाय बेड़ा घर को इस लड़की का, फिर गंद मचा दिया किचन में। जाओ बुलाओ इस बेवकूफ लड़की को। लगता है फाजी के रिश्ते के लिए लोग आए होंगे। फिर तो वो वहां से हिलेगी नहीं। मिर्ची वापस आ। बेटा तुम्हारी लड़की से बात हुई है? हाँ वो थोड़ी बहुत हेलो हाय हुई थी। आप लोग बैठे मैं आता हूँ। बड़ा ही खुश है मेरा बेटा, माशाल्लाह अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। लग रहा है चाय लेके आती हूँ। अरे भाभी मैं बना देती हूँ ना। अम्मी पत्ती तो नहीं है चाय की। आपको पेस्टिसाइड्स का बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। पेस्टिसाइड्स? घर बार बिजनेस सब सेट है तो बेटा शादी में थोड़ा लेट नहीं कर दी? असल में हमारा इकलौता साला शरीफ है तो हमने सोचा जरा शादी देखभाल के ही करेंगे। आई डिफरेंट लग रहा है। पापा कोई और तस्वीर तो दिखाएं लड़की की। हाँ हाँ क्यों नहीं, माशाल्लाह मेरी हानिया बहुत सेंसिबल और बहुत वेल मैनर्ड। हानिया कौन? हानिया आमिर तो नहीं? वो क्वालिफिकेशन क्या है लड़की की? भाई बीएस कर रही है साइकोलॉजी में और बड़ा पढ़ने लिखने का शौक है उसे। मेरे ख्याल है करियर भी यही बनाएगी। ओके पापा डन करें। डन करें? बाबू कल आए ना हमारे घर डिनर पे। भाई फाज और हानिया एक दूसरे को देख भी लेंगे? डेफिनेटली। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी लड़की हमें भाग गई तो शादी इसी महीने होगी। ओह इसी महीने में? खैरियत
इतनी जल्दी उम्रे पे जाना चाह रही हैं फाजी की शादी के फौरन बाद, और फिर कुछ घर के इनको आधी आधी से कंपटीशन उसकी शादी से। हम हानिया के साथ साथ अपने बेटे अशर के लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं। हम चाहते हैं कि दोनों को एक साथ ही निपटाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी, चाय तो लेना आप। गुल, शुगर पार्ट किधर है? मैं लेके आ जाता हूँ बुआ। अरे नहीं मिस्कीन, आप बैठे, मैं हमारी रमीशा से कहती हूँ, वो ला देगी। कितनी झूठी, बेचारा नौकरी तो बना रखा है बेचारे को। जान निकाल देंगे मेरी। अच्छा एक बात तो बताओ मीनू, सच सच? हाँ मीनू हमेशा सच ही बोलती है। क्या ये कनाडा वाली लड़की बहुत खूबसूरत है? है तो खूबसूरत, मुझसे भी ज्यादा। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा क्या मुकाबला किसी से? तुम तो इतनी प्यारी हो, क्यों पूछ रही हो? बस वैसे ही। अच्छा सुनो, मैंने सोचा है कि फाजी भाई की मेहंदी पे ना हम सब लोग शरारे पहनेंगे। मैंने चुपके चुपके डांस प्रैक्टिस शुरू कर दी है। बताओ एक स्टेप है जो मेरा फेवरेट है। एक तो हम ये वाला करेंगे, कोई देख लेगा यार। ओए मिशी, शुगर पॉट लेकर आना जरा, वो इम्पोर्टेड वाला। जी आपा। अरे कहाँ रख दिया मैंने ये शुगर पॉट? मीनू एक काम करो, कहीं ये गिरा, कहीं गिरा तो नहीं देगी? तो प्लीज अंदर दे आना, मैं जब तक ये बर्तन से मेट लूं। ये गिरा देगी। अच्छा तुम शुगर पॉट तो दो, मैं तुम्हारे लिए पंगा करेगी। जल्दी कर दो बस। मैं कांप रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे, इसको क्यों बोलते हैं कोई काम? ये आंटी हमारा भी इरादा है फाजी से छोटी हमारी बहन रमीशा की शादी का। तो क्या कोई रिश्ता देखा आप लोगों ने? जी देख रहे हैं। गुल, शुगर पार्ट कहाँ रह गया? बिशी को बुलाओ ना, मेहमानों से भी मिल लेगी। मैं अभी रमीशा को बुलाती हूँ। तमीज से बेटा चोट तो नहीं लगी आपको? गिरा दी सारी चीनी, गिरा दी है। यही है आपकी बहन रमीशा? नहीं ये तो हमारे चचा की बेटी है। कहीं ऐसा तो नहीं अब ये इसे पसंद कर लेंगे? इसे पसंद कर लेंगे माशाल्लाह। मीनू तू जा, बीशी को भेज दूसरा शुगर पार्ट लेके। जी देहान से। हाँ जी भैया। ये कैसे चलती है यार? कभी कभी मीनू ऐसा कर देती है। कभी कभी नहीं, रोज ही करती है, हमेशा करती है। कहाँ रह गई लड़की? मुझे लगता है इन्होंने मीनू को पसंद कर लिया। आपकी पत्नी के चक्कर में ना मेरा घुटना चल गया है। एक दफा मार घुटने को, मुझे बता उधर क्या हो रहा है? तेरी छोटी दादी ने किन लोगों से रिश्ता नाता किया है? बताते से मुझे हंकारा तो दे देना। आपको हंकारों की पड़ी है यार, दर्द हो रहा है मुझे। तो आंखें खोल के चलना था ना। नजर लग गई मुझे उस्ताद जी की, वो ना होने वाली सास की। अच्छा इधर आना, इधर आ मेरे पास आके बैठ तो सही। इधर आना, छोड़ आराम से बेबे, दर्द है। अच्छा बता कैसे लोग हैं? थे तो बड़े अमीर लोग। अरे ये बख्तो है ना, ये बख्तो, ये बड़ी तेज चीज है, बहुत चलाक है। ये छोटे मोटे खानदान से रिश्ता नहीं जोड़ने वाली, शोधी है कहीं की। फाजी पसंद आ गया उन्हें? अल्लाह जानता है कौन पसंद आया उन्हें। मिसेज अमजद, फिर आपने बताया नहीं अपना इरादा। वो जो बच्ची अभी आई थी, क्या नाम है उसका? मनिया। उसका कहीं रिश्ता वगैरह तो नहीं तय किया आप लोगों ने? नहीं नहीं, उसकी तो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है। और ना होने के इम्कान है। मुझे वो बच्ची बहुत पसंद आई है। ये आप क्या कह रही हैं मिसेज अमजद? खुल के बताओ ना। असल में मैं आपकी पोती मनिया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। चाय पत्ती लेने आई थी, पत्नी बन गई। ओके गाइस, देखो अब ऐसा भी हो सकता है क्या? कहीं हो सकता है, वरना आदमी कितने तमीज से आएगा बैठेगा, उसे भी रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन उसका इन्हें पसंद आ गया, वो इन्हें प्यारी लग गई। ठीक है, अब ये लोग हैरान है कि हमारे घर में हमारी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ और उनकी बेटी का रिश्ता हो गया। यार चोरी का तो अभी जिसके लिए हम एक्साइटेड थे, जो हमें लग रहा था इसमें वो चीज़ खुलेगी, उस पर हंगामा होगा, वो चीज़ तो अभी इम्कान ही नहीं है। किसी को भी पता ही नहीं है और पता नहीं कब पता चलेगा। लेकिन जो भी इसमें दिखाया बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अभी ना आप हादी के रिश्ते के बारे में बात करोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि उस लड़की का आज दिखाया हमें कि वो उससे बढ़िया तरीके से बात बिल्कुल भी नहीं करती। और अब मीनू का भी शुरू हो गया, हादी का तो चलो चल ही रहा है, और क्या नाम है इसका दूसरे वाले भाई का, फाजी भाई का, इसका भी मुझे लगता है डन ही है। लेकिन इनमें से किसी का भी डन नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये
कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं, ये कुछ ना कुछ पंगा करके ही मानेंगे। बहुत ही बढ़िया था, मजा आया। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। बाय।